हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 साल से ऊपर के बच्चों से रिलेटेड पॉटी प्रॉब्लम्स के बारे में। जब बच्चे 1 साल से ऊपर हो जाते हैं तो अलग अलग तरह की पॉटी प्रॉब्लम्स या पॉटी से रिलेटेड कंसर्न्स जो हैं वो पेरेंट्स को आने लगते हैं। हमें काफ़ी पेरेंट्स लिखते हैं इस बारे में। मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कबीर में क्या चेंजेस आए लास्ट 1 साल में। प्लस जो पूरा सर्कल है मेरा जिसमें काफ़ी सारी मदर्स हैं उनके भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मैं सुनती रहती हूँ। तो मैंने एक समरी क्रिएट करी है कि जब बच्चे 1 साल से ऊपर हो जाते हैं तब उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरह के आप सॉल्यूशंस उनके लिए यूज कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि हो सकता है आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं इस वीडियो में छुपा हुआ हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और प्लीज इसे अपनी सारी मॉमी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। 1 साल जो होता है वो काफी बड़ा माइलस्टोन होता है एक बच्चे की लाइफ में, क्योंकि 1 साल के बाद बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। स्पेशली ऐसे चेंजेस जैसे वॉक करना, जब बच्चे वॉक करना सीखते हैं और उसके बाद भागने लग जाते हैं तो उनको बिठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उनको एक्सपोजर मिल जाता है, हर चीज का एक्सेस मिल जाता है। तो वो खुद ही इतना इंटरेस्टेड होते हैं डिफरेंट चीजों में कि पॉटी मतलब इज द लास्ट थिंग दैट दे एक्चुअली वांट टू डू। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि 1 साल के बाद मैक्सिमम बच्चे प्रॉपर 5 टाइम मील ले रहे होते हैं, यानी 3 प्रॉपर मील्स ले रहे होते हैं और बीच में 2 से 3 स्नैक्स भी ले रहे होते हैं डिपेंडिंग फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। तो अब क्योंकि उनका इंटेक ऑफ दूध कम हो गया और उनका इंटेक ऑफ सॉलिड ज़्यादा हो गया, तो कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जब उनका मतलब जो स्टमक है वो अलग तरह से रिएक्ट करता है या कोई कोई खाना ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी पॉटी प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली ये पूरा जो मिक्स है ऑफ प्रॉपर तरीके से खाना एंड इतनी सारी एक्टिविटीज है या इतना सारा एक्सपोजर है, इसकी वजह से बच्चों के अंदर पॉटी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखो, नंबर 1 प्रॉब्लम तो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, वो होती है कॉन्स्टिपेशन। जेन्युइनली बच्चों को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है 1 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा, और इसके काफ़ी सारे रीज़न है। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला तो रीज़न है कि सडनली वो इतना ज़्यादा सॉलिड इनटेक उनका हो गया है। तो कुछ फूड होता है जिसकी वजह से उनको जो है वो सूट नहीं करता, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम जो उनकी मील है उसको ढंग से बैलेंस नहीं कर पाते। हमने उनके खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन दे दिया बट फाइबर ज़्यादा नहीं दिया, या बहुत ज़्यादा कार्ब्स दे दिया, बहुत ज़्यादा विटामिन दे दिए बट उसको सप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर तरीके से पानी जो है उनको नहीं मिला या फाइबर उनको नहीं मिला, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया और पॉटी काफ़ी हार्ड हो गई है और काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड जो है बच्चा फील करता है। और कॉन्स्टिपेशन का रीज़न होता है दूध। हम जनरली देखते हैं कि 1 साल के बाद बच्चा मदर मिल्क से या फॉर्मूला मिल्क से धीरे धीरे ट्रांजिशन कर जाता है टू काउ मिल्क या कोई भी और एनिमल मिल्क, जैसे बफेलो मिल्क हो गया, गोट मिल्क हो गया। कुछ बच्चे वो भी लेते हैं जिनको काउ मिल्क सूट नहीं करता। तो ये भी देखा जाता है कि इस पूरे चेंज की वजह से भी, ये जो दूध चेंज होता है इसकी वजह से भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है। मैं अगर आपको कबीर का एग्जांपल दूं तो कबीर के साथ भी ये हुआ था। जब हमने काउ मिल्क स्टार्ट किया था तो हम उसे बिल्कुल काउ मिल्क जैसा आता था वैसे का वैसा बॉईल करके उसको देते थे, पिलाते थे, और हमने ऑब्जर्व किया कि हमें ऐसा लगता था कि उसकी वजह से उसका जो पॉटी का फ्रीक्वेंसी है, जो पॉटी करने की अर्ज है, वो काफ़ी कम हो रही है क्योंकि उसको प्रॉब्लम होने लग गई है। उसकी पॉटी भी काफ़ी हार्ड हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि हमने काउ मिल्क को थोड़ा सा डाइल्यूट करना शुरू कर दिया पानी के साथ। फिर बीच में हमने चेंज भी करके देखा कि क्या हम बफेलो मिल्क दे के देखें कि उससे ईज आउट होता है या नहीं। तो थोड़े बहुत कॉम्बिनेशंस आपको ट्राई करने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ रीजंस कॉन्स्टिपेशन के 1 साल के बाद ये भी होते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन एक्सेस करते हैं या टीवी देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए वो एक्चुअल में बहुत कम होती है और उनकी बॉडी प्रॉपरली खाना जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसको ब्रेक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। ऐसा भी होता है कि बच्चों का पानी पीने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। स्पेशली अभी विंटर्स ऑलमोस्ट यहाँ से जा ही रही हैं, तो मैं ऑब्जर्व करी थी कि जितना कभी समर्स में पानी पीता था उतना उसका विंटर में इतना अर्ज नहीं था कि मुझे पानी पीना है। तो डेफिनेटली बॉडी में जब आप इनफ वाटर नहीं दोगे तो बॉडी में आप जितना मर्जी बैलेंसिंग कर लो, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स या फिर हार्ड पॉटी की प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी। तो ये टिपिकली 3-4 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जेन्युइनली 1 साल से ऊपर के बच्चों को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है। दूसरी प्रॉब्लम जो आप देखोगे जो बच्चों में होती है, मैं स्पेशली मतलब हंसती हूँ इस प्रॉब्लम को देख के, वो होता है कि वो पॉटी की पूरी एक्टिविटी को एक बहुत बोरिंग एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। आप ये बात डेफिनेटली मानोगे कि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत ही कम होता है। वो एक एक्टिविटी मैक्सिमम 1-2-3 मिनट करेंगे, उसके बाद उन्हें नेक्स्ट एक्टिविटी करना है। तो ये जो पॉटी करने का प्रोसेस है जहाँ आपको 5 से 10 मिनट बैठना है ताकि आप अच्छी तरह से रिलीफ हो सको, वो प्रोसेस उनको बहुत बोरिंग लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे पॉटी अवॉइड करते हैं। जो बच्चा रेगुलर पॉटी करता था उसको अगर दो दो तीन तीन दिन अब आप देखोगे कि वो बिना पॉटी किए रह रहा है, और आपको एज अ पेरेंट काफ़ी वरी हो जाएगा कि मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गई है, मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, दो दो दिन तक पॉटी नहीं करता। बट बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, जब वो दो दिन बाद पॉटी कर रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल पॉटी कर रहा है, वो कोई ऐसा साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट शो नहीं कर रहा, वो रो नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये वो वाली कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम है जहाँ पे बच्चे इस पूरी एक्टिविटी को बहुत ही बोरिंग मानते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो वहाँ जाएं और वहाँ जाके 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जितनी देर भी बैठना है उतनी देर बैठें। इसी की वजह से आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि कुछ बच्चे पार्ट्स में पॉटी करते हैं। हो सकता है आपका बच्चा पहले दिन में एक बार पॉटी करता था अच्छी तरह से, अब वो एक ही दिन में 3 से 4 बार पॉटी कर रहा है, क्योंकि वो एक बार जाता है, फटाफट कर लेता है जितनी करनी है, फटाफट छोड़ के वापस आ जाता है, जबकि उसका स्टमक अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो दोनों सिनेरियोज आप देखोगे कि बच्चों के जो सेम डे पॉटी है वो एक दिन में बहुत बार हो रहा है, या फिर 2 से 3 दिन तक भी स्ट्रेच हो रहा है। तीसरी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन नहीं है बट हाँ ये भी देखा जाता है, वो ये है कि जहाँ पे बच्चे को डिसकम्फर्ट होता है इस पॉटी की एक्टिविटी से। अब होता क्या है कि इमीडिएटली हम बच्चों को पॉटी ट्रेन नहीं करते हैं, हर पेरेंट अपना अलग टाइम लेता है बच्चे को पॉटी ट्रेन करने में, और पेरेंट पे ही नहीं डिपेंड करता है, बच्चे भी टाइम लेते हैं पॉटी ट्रेन होने में। तो क्या होता है, जब तक बच्चा पूरी तरह से पॉटी ट्रेन नहीं हो जाए, ये जो बीच का फेज होता है जहाँ पे हम कोशिश करते हैं बच्चे के पैर ऊपर करके पॉटी कराएं या फिर उसको सीट पे पकड़ के बिठाएं, वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है और उसे यह एक्टिविटी ही अच्छी नहीं लगती है, जिसकी वजह से बच्चे इससे काफ़ी भागते हैं। सर्दियों में जनरली देखा जाता है कि बच्चे जब जिन बच्चे पॉटी ट्रेन हो भी गए हैं, आप जब उन्हें बिठाओगे उसके बाद अगर आप पानी डालते हो, स्पेशली अगर आप जेट्स यूज़ करते हो, अब जेट में तो हीटर लगा नहीं होता तो जेट में ठंडा पानी आता है, तो बच्चे को बहुत ही डिस्कम्फर्ट लगता है कि मतलब एक तो इतनी ठंड है, उसमें मैं पॉटी भी कर रहा हूँ और उसमें ठंडा ठंडा पानी भी आ रहा है, तो बच्चे काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, जिसकी वजह से भी एक रीज़न होता है कि बच्चे पॉटी करने से इतराते हैं, या उनको मतलब जब तक बिल्कुल जोर ना लग जाए तब तक उनमें ऐसी कोई नीड नहीं होती कि हाँ मुझे पॉटी करना है और मुझे अपने स्टमक को क्लियर करना है। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस, मेरे अकॉर्डिंगली क्या हो सकते हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स के, जिसको आप यूज़ करके डेफिनेटली खुद को भी हेल्प कर सकते हो और अपने बच्चों को भी हेल्प कर सकते हो। सबसे पहली प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं जो कि है कॉन्स्टिपेशन, जो मुझे लगता है कि काफ़ी पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है। मैंने अपने चैनल पे एक कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड वीडियो किया था बट वो 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए था। ये वाला जो मैं आपको टिप्स दूंगी ये बच्चे ही नहीं बड़े भी अपने डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में आजमा सकते हैं और डेफिनेटली उनको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है कि आप फूड वॉच करो या बच्चे का इंटेक वॉच करो कि अगर बच्चे को सडनली कॉन्स्टिपेशन होने लग गई है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि मेजॉरिटी केसेस में वो दूध का चेंज हो सकता है, तो अगर आपको दूध रिलेटेड चेंजेस की वजह से बच्चे में वो प्रॉब्लम दिख रही है तो आप दूध में चेंज करके देखो, या तो दूध को पानी के साथ थोड़ा सा मिला के, जब आप बॉयल कर रहे होते हो तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसे डाइल्यूट करके देखो, या फिर आप काउ मिल्क की बजाय बफेलो मिल्क अपने बच्चे को देके देखो, उससे भी कई बार जो होता है ये ट्रांजिशन हो जाता है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस आप करके देख सकते हो। इसके अलावा चीज़ें जैसे होती हैं ब्रेड हो गई, पास्ता हो गया, बनाना हो गया, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन काफ़ी देखा जाता है। ऑल्दो हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है, बट अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रहा है तो वॉच करो उस फूड को और फिर देखो कि उसकी डाइट में थोड़ा बहुत वो चेंज करके क्या आपके बच्चे की प्रॉब्लम हट रही है। सेकेंड जो सॉल्यूशन है वो होता है कि फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, और फ्लूइड यहाँ पे एज सिंपल एज पानी को सबसे बड़ा सॉल्यूशन माना जाता है फॉर कॉन्स्टिपेशन। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको बहुत बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इनफैक्ट नॉर्मल लोगों से डबल पानी पीना चाहिए। इसीलिए बेस्ट है अगर आपका बच्चा पानी पीता है तो नथिंग लाइक इट। पानी देने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, कभी आप उसे ग्लास में ऑफर करो, कभी आप उसे सिपर में ऑफर करो, कई मतलब चेंज कर करके कटोरी में ऑफर करके देखो। तो बच्चों को क्या होता है कि जब आप इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्हें देते हो, उसमें उन्हें पानी पीना दिखाते हो, तो बच्चे भी उसको कॉपी डेफिनेटली करने के चक्कर में पानी जो है वो पी जाते हैं। तो आप उनके लिए कलरफुल ग्लासेस ला सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा नारियल पानी जो है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, छाछ बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, लस्सी, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, लस्सी जो है बहुत अच्छी होती है। तो ये सब आप करो, और वाटर बेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप बच्चों को दे सकते हो, जैसे आप वाटरमेलन दो, मस्क मेलन यानी खरबूजा, तरबूज, खीरा, ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं स्नैकर बच्चे को दे देने के लिए, जिससे उसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है बॉडी का वो पूरा हो जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन जो मैं आपको दूंगी वो है कि जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनकी डाइट में घी ऐड करो, स्पेशली उनके डिनर वाली मील में घी जो है वो डबल 2-2 चम्मच ऐड कर दो। छोटे बच्चों की डाइट में घी ऐड करने से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, घी सबको डेफिनेटली खाना चाहिए और छोटे बच्चे तो उसको बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनकी इतनी एक्टिविटी होती है। तो मेक श्योर कि जैसे आप उनको रात को दे रहे हो, राइस दे रहे हो, चपाती दे रहे हो, आप उन्हें खिचड़ी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उस पे अलग से 1 चम्मच या 2 चम्मच डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे को कितनी पॉटी की प्रॉब्लम है, आप डेफिनेटली उनको घी दो, घी से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। चौथा है, जिस पीरियड में बच्चे को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो रही है उस टाइम पे उसकी मील्स को थोड़ा लाइट कर दो और उसकी मील्स में जितना हो सके दही जो है वो भर दो। दही राइस आप बच्चे को दे सकते हो, सिंपल सी खिचड़ी बना के साथ में दही दे दिया बच्चे को, तो दही में प्रोबायोटिक होता है यानी कि लाइव बैक्टीरिया होता है जो स्टमक में जाके गुड बैक्टीरिया आपके स्टमक में डालता है, जिसकी वजह से स्टमक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उसमें आपको देखना काफी आसानी फील होती है। अगला सॉल्यूशन है कि पी रिलेटेड फ्रूट्स बच्चे को बहुत ही ज़्यादा खिलाओ, जैसे कि पियर हो गया, प्रून हो गया, पपाया हो गया, पीचेस हो गया। आप देखोगे कि कितना फ़र्क पड़ेगा। ये बात तो मैं न्यू मदर्स के लिए भी बोलती हूँ, जब आप इमीडिएटली डिलीवर करते हो उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहती है। पपाया जो है मोस्ट केसेस में आपको राइट सॉल्यूशन दे देता है। तो अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम रह रहा है तो डेफिनेटली पी रिलेटेड फ्रूट्स ट्राई करो और आप देखो कि उसमें आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। अगला सॉल्यूशन है कि बच्चे का पॉटी एरिया होता है वहां पे रात को सोते समय या दिन में आपको जब लगे कि बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे आप कोकोनट ऑयल और हो सके तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल ही लो, कोकोनट ऑयल लगा दो, जिससे बच्चे को स्टूल पास करने में बहुत ही आसानी होगी। अगला सॉल्यूशन ये है कि रात को सोते टाइम बच्चे के पैरों के नीचे आप घी ज़रूर मरो। घी मरने से बच्चे की बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा आराम जाता है और वेन्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाती हैं और होपफुली बच्चा सुबह पॉटी कर देगा। अगला सॉल्यूशन है कि बच्चों को किशमिश खिलाओ। किशमिश भी बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए और स्पेशली कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए। तो दिन में जब भी हो सके बच्चे को किशमिश ज़रूर खिलाओ। किशमिश आप खाने में भी ऐड कर सकते हो, किशमिश तो बच्चे ऐसे उठा के स्नैकर की तरह भी खाना बहुत पसंद करते हैं, तो आप किशमिश ज़रूर खिलाओ। और लास्ट में ये बोलूँगी कि एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। बॉडी को ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिससे बॉडी डाइजेशन के प्रोसेस पे काम कर सके, और वो प्लेटफॉर्म होता है एक्टिविटी। दिन में 1.5 से 2 घंटे बच्चे को खेलने का टाइम ज़रूर दो, जिसमें वो भागे, दौड़े, कूदे, वॉक करे। बेशक अगर आपके यहाँ भागने दौड़ने की जगह नहीं है बट वो खेले, जिससे उसकी बॉडी सारे खाने को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लेगी। ध्यान आपको ये रखना है कि एक्टिविटीज़ का टाइम जो होता है वो होता है खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधे घंटे बाद। इतना गैप आपको बॉडी को जरूर देना है ताकि बॉडी पूरी एक्टिविटी के लिए तैयार हो जाए। तो होपफुली इन सब चीज़ों को ट्राई करके आपके कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपके बच्चे के कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम जा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से मिल सकते हो। डॉक्टर जो हैं वो कुछ केसेस में एक बत्ती होती है जो आपको बच्चे की पॉटी वाले एरिया के अंदर डालना होता है, जिससे कि जो पॉटी हार्ड हुई होती है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाती है और सॉफ्ट होकर निकल जाती है। तो कुछ केसेस में डॉक्टर वो एडवाइस करते हैं कि अगर आप उनको लगता है कि ये बहुत एक्सट्रीम केस हो रहा है, बिकॉज देखो बॉडी के साथ कुछ भी अननेचुरल करना ठीक नहीं है। आपको एक्सट्रीम केस है, बच्चे को हेल्प करना है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में है, डेफिनेटली आप ये चीज़ कर सकते हो। बट जितना हो सके नेचुरली बच्चे की बॉडी को स्टडी करके अगर हम हेल्प करेंगे तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो भी ठीक रहेगी। बट अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ एक्सट्रीम केस हो रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करो और डॉक्टर से ही वो लिखवाओ जो सॉल्यूशन होता है और फिर उसे लो। प्लीज़ ओवर द काउंटर जाके केमिस्ट से पूछ के मत ले लो, केमिस्ट आपको बहुत आसानी से दे देंगे। बट आपको बच्चों के केस में ओवर द काउंटर मेडिसिन या ओवर द काउंटर ऐसे सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो होता है कि बच्चे पॉटी एज अ एक्टिविटी को बोरिंग समझते हैं। अब कोई भी एक्टिविटी में बच्चे को एंगेज करना हो, चाहे वो आपका खाना हो, चाहे नहाना हो, चाहे पॉटी ही क्यों ना हो, पेरेंट्स को या केयरगिवर को एक एक्टिव रोल प्ले करना होता है, स्पेशली पॉटी एज एन एक्टिविटी में जहाँ बच्चे को बैठे रहना है जब तक उसका स्टमक क्लियर क्लियर ना हो जाए। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहला कोई ना कोई स्टोरीज़ आप बच्चों को उस टाइम पे सुनाओ, स्पेशली कोई नई तरीके की स्टोरीज सुनाओ और उसमें ऐसे कैरेक्टर्स डालो जो बच्चे के फेवरेट कैरेक्टर्स हों। जैसे मैं आपको कबीर का एग्जाम्पल दूँ तो मुझे याद है कि शुरू में हम एक स्टोरी बनाते थे गीज़र से रिलेटेड और उस स्टोरी में हम उसके नानी और नानू को डाल देते थे, क्योंकि बच्चा सडनली जिनसे सबसे ज़्यादा फॉन्ड होता है ना, जिनके बारे में सुनना चाहता है, बच्चा सडनली उनके नामों से ही एंगेज हो जाता है। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि जैसे जो उसके फेवरेट टीवी कैरेक्टर्स थे हमने वो डालना शुरू कर दिया। उसके बाद अब जैसे उसके फ्रेंड्स पार्क में बन गए हैं तो हम उनके नाम की कुछ स्टोरीज डाल देते हैं कि भाई ये बच्चा आया, इसने ऐसे गीजर का बटन प्रेस किया, सडनली लाइट जल गई, सिंपल थिंग्स लाइक दैट। और एकदम से ऐसे स्टोरी सुनाओ जिससे बच्चा उसमें एंगेज रहेगा, दैट्स नंबर 1। और ये हमेशा हेल्प करता है जब आप अलग टोन, अलग एक्सप्रेशंस के साथ, उसके फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ आप स्टोरी बनाओगे तो बच्चा डेफिनेटली उसमें एंगेज हो जाता है। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हो कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें रख लो वॉशरूम में। काफ़ी बच्चों के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई इंटरेस्टिंग उनकी बुक या उनका टॉय रख लेते हैं जो बच्चा हाथ में पकड़ के देखता रहता है या हाथ में पकड़ के खेलता रहता है, वो वहीं पे रख देते हैं। अलॉन्ग विद दैट कोई दीवार पे आप स्टिकर्स वगैरह लगा सकते हो जिसको देख के बच्चा एंगेज हो जाता है। आप लोग गाने गा सकते हो जिससे बच्चा काफ़ी एंगेज फील करता है, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आप और आपका बेबी हमेशा अच्छी तरह से बॉन्ड करते हो, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और यही एक तरीका है जिससे आप इस पूरी एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बना पाओगे। जैसे जैसे बच्चे हो जाते हैं वो अपने आप पॉटी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे कुछ बच्चों को आदत हो जाती है जाके न्यूज़पेपर पढ़ने की, कुछ बच्चों को आदत हो जाती है जाके बुक्स पढ़ने की, कुछ बच्चों को आदत हो जाती है म्यूजिक सुनने की। तो इस तरह से ये एक्टिविटी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बट इसका इनिशियल ईयर्स में बिल्डअप जो है वो पेरेंट्स को एक्टिवली करना पड़ता है। अब तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो होता है कि बच्चे इसको डिसकम्फर्टिंग मानते हैं, यानी उनको लगता है कि मतलब ये कंफर्टेबल प्रोसेस ही नहीं है तो मैं ये करूं क्यों। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि जितनी जल्दी हो सके आप बच्चों को पॉटी ट्रेन कीजिए। जैसे ही बच्चे पॉटी ट्रेन हो जाएंगे, जो सीट है उस पर बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, कंफर्ट फील करेंगे, उतना ही उनको ये प्रोसेस जो है इनफैक्ट आसान ही नहीं काफ़ी रिलीविंग भी लगेगा, क्योंकि उनकी बॉडी भी काफ़ी हल्का फील करेगी। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो किया है कि आप बच्चों को पॉटी ट्रेन कब कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली वो जाके देखिए। बट मैं फिर भी आपको ये बोलूंगी कि प्रेशर ना लें। अगर आपका बच्चा बहुत अर्ली स्टेज में पॉटी ट्रेन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे जाके जैसे जैसे धीरे बच्चा बड़ा होगा, बच्चा अपने आप इस पूरे प्रोसेस को अडेप्ट कर लेगा। और जहाँ तक रही पानी की प्रॉब्लम, स्पेशली अगर विंटर्स का टाइम है तो मेक श्योर कि बच्चे को पॉटी पे ले जाने से पहले आप अपने साथ एक मग रख लो, जिससे जैसे हमारे घर में क्या होता है कि गीज़र ऑन होता है तो हम थोड़ा सा मिक्स पानी हमेशा साइड में रख लेते हैं, ताकि जब भी वॉश करना हो तो हम मिक्स पानी से ही करें। नहीं तो कबीर को काफ़ी ज़्यादा मैं देखती थी कि उसको अनकम्फर्टेबल फील होता था और वो खुद ही बोल देता मम्मा कोल्ड, मम्मा कोल्ड, मम्मा कोल्ड, तो वो बोल देता था। तो ये सब तैयारियाँ आप अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन जो भी सीज़न है आप कर सकते हो, बट आप जितना कम्फर्ट बच्चे को दोगे ना पॉटी के टाइम उतना ही बच्चा इस एक्टिविटी को आराम से कर लेगा। तो बस ये था मेरे एनालिसिस में बड़े बच्चों से रिलेटेड पॉटी की प्रॉब्लम्स और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एज पेरेंट्स घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे दिन जाते थे जब कबीर एक दिन अगर पॉटी नहीं करता था तो मुझे इतनी टेंशन हो जाती थी, मुझे ऐसा लगता था उसको कुछ हो रहा है, उसके पेट में कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अगले दिन वो करता था और उसे इतना आराम लगता था। इनफैक्ट उसको प्रेशराइज करके बारी बारी उसको बोल के कि भाई नहीं आ रही है ना, आ रही है ना आपको पॉटी, या उसको बारी बारी पॉटी सीट पर ले जाके ट्राई करवा के, मुझे लगता है हम उस पर ज़्यादा प्रेशर डालते थे, उसको ज्यादा अपसेट कर देते थे, वो भी रोता था। कंपेयर टू थोड़ा सा उसको एनालाइज करना, थोड़ा उसको स्पेस आउट कर देना, जिससे कि हम उसको ऑब्जर्व कर सके कि अगर वो अगले दिन भी कर रहा है और वो नॉर्मल कर रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो थोड़ा बहुत टाइम लगा। मैंने अपने डॉक्टर से भी, मुझे याद है मैंने डिस्कस किया और उन्होंने हंस के मुझे पहली चीज ही ये बोला था कि आई एम श्योर कि उसको अब ये बोरिंग लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास इतना कुछ है करने के लिए, दिन में 10 से 11 घंटे वो उठा रहता है, उसमें उसको बहुत कुछ करना है, तो ये तो लास्ट चीज है। तो धीरे 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 हमें ये चीज समझ आई। बहुत क्लोजली अपने बच्चे को ऑब्जर्व करने से आप उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ एक गाइडलाइन जो बनी हुई है कि नहीं हर रोज आपको पॉटी करना ही चाहिए। बड़े होके आई एम श्योर ये चेंजेस आ जाएंगे, बट बच्चों पे इतना प्रेशर डालने की मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ज़रूरत है। तो यही था मेरा मैसेज जो मैं देना चाहती थी। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कॉमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो। मैं फिर से बोलूँगी ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 1 साल से ऊपर की एज के हैं, एंड आई होप दैट मैंने सारे पेरेंट्स को थोड़ा बहुत रिलीफ दे दिया हो। अगर दिया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग अपने बच्चे के साथ ये और आप क्या करते हो, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर करना माय चैनल को। बाय बाय।